कांग्रेस दारू पिलाती है बिहार में, कांग्रेस दारू पिलाती है बिहार में। दारू तो हम पीते नहीं है, सीधा 1 मिलियन 2 मिलियन पहुंचाती है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तुम्हारा भाई आ गया बैंक लूटने। बैंक नहीं, मॉर्निंग गाइस, इज अ संडे मॉर्निंग। पता तो और संडे की सुबह सुबह पता बस फायदे किस चीज का है, मेरे को बाहर जाना पड़ता है। बट ब्लिंकिट है ये तो मम्मी को इसी दिक्कत है, कड़ी पत्ते में खुशबू नहीं है। 9 रुपए का इसने मुझे अच्छा लगा कि 9 रुपए में वाला आता क्या है ना। सही बात है, मेरे को जाना पड़ता है ये सब चीजें बटोरने पर। आ गई चीजें घर पे और क्या है इसमें कुछ। देखो भाई एक चीज दिखाते तुमको, ये नींबू है क्योंकि हमने देखे नहीं ना सारे हरे नींबू दे रहे थे सारे। अरे एक पीला, एक पीला नींबू, बाकी सारे भाई इसके इसका रस ही नहीं आएगा। तभी मैं बोलूँ कि 50 रुपए में पाव कैसे दे दूँ भाई। ये इनो का पाउच तो चलो ठीक लग रहा कलर है। ये क्या था, सांबर साम डोसा बना रही हूँ मैं। अभी डोसे का रेसिपी बताऊंगी, मैंने आज पहली बार बनाऊंगी और ढंग से बनाऊंगी जिसको कहते हैं। और मेरे को फिर भी बाहर जाना ही पड़ेगा, मम्मी मानती नहीं ना मेरे को घर में देख के। और मम्मी से छुपा के मैंने ये चीज भी मंगाई है, पहले ही साइड कर ली मैंने। मैंने कहा मम्मी देख लेंगे तो डांट पड़ेगी, इसके पैसे देने पड़ेंगे। गाइस ये रहा मम्मी का बनाया हुआ डोसा, बैटर सही है, सॉफ्ट सॉफ्ट। आलू का मसाला भारी है क्योंकि मसाला उसमें डालते हो थोड़ी बनाने में दिक्कत होती है। और बाकी ये रहा सांभर, सांभर टेस्ट करा मैंने अभी, बहुत अच्छा बना है। वही चलो भाई अब खाना इंजॉय करते हैं। तो मैं जा रहा हूँ बाहर। ओए सुमित, ओए रुक जा, पीछे जा, पहले तो बहुत जरूरी काम करना है। गेट खोल साले, फॉर्च्यून कच्ची गानी निकाल पीछे से। अबे बोल भाई, ये जो स्टिक गाइस, अबे ये नहीं यार, वो फॉर्च्यून कच्ची गानी वो कहां भाई। ओ माय गॉड, एक मिनट कर रहा हूँ। अबे ये निकालिए काली पर्ची सी जो है ये। अबे साड़े के टाट पे दूंगा, ये तो चिपका है शीशे पे। ओ माय गॉड भाई, बहुत बेइज्जती कर दी इसकी वजह से। ये किसी बंदे को पैसे वैसे मिल रहे थे ये लगाने के, तेरे पापा ने वो किया इसको। अबे नहीं यार, एक बंदे को पैसे मिल रहे। अबे हाँ बस आ जागे, अबे टारगेट था उसे पैसे मिलते हैं ये करने के भाई। तो अब बैठना तो गाड़ी में मतलब लगा के फोटो वोटो खींची होगी तो कमीशन वमीशन मिला होगा। इस चक्कर में पापा ने करवा लिया। कल विक्रांत ने बहुत बेइज्जती करी इसी चक्कर में कि भाई तुम इतनी गरीबी आ गई क्या कि मतलब ये लगा के तुम पैसे खा रहे हो। यही मारे फिर मैंने उतरवाई यार, पेड प्रमोशन चीजों को उतरवा रहे हो, बताना भाई। यूट्यूब पे प्रमोशन नहीं मिला ना इसलिए यहाँ कर दिया हमने। यूट्यूब पे मिल नहीं रहा, इसके पापा को सोर्स मिल गया था, डेली के 300 मिल रहे थे। अरे भाई नहीं है ऐसा, जब भी तो उतारा है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तुम्हारा भाई आ गया बैंक लूटने। बैंक नहीं मतलब एटीएम लूटने। गर्मी हो रही थी, जा रहा तो हम लोग आ गए एटीएम में, एसी में खड़े होने। और तुम्हारा भाई आज पूरा मुंह ढक गया है, थोड़े बहुत पैसे जो विक्रम निकालेगा वो भी चुरा लूंगा मैं आज। कैमरे में आना नहीं चाहिए ना, सीसीटीवी में दिखना चाहिए कि हम चोर हैं। अपन गेम खेलने की मशीन थोड़ी है, पट 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 कर रहा उसमें। हाँ वो इतना पैसा है तेरे अकाउंट में जितने तूने जीरो लगाए हैं। अरे बता दे क्या काम कर रहे हैं। तो गाइस गाइस थर्ड अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, वो कार्ड बंद हो जाता है 3 अटेम्प्ट में। वो थोड़ी ना, वो बटन काम कर रहे थे इसलिए कैंसिल करा। अच्छा नहीं, 3 अटेम्प्ट खाली जाने पे ना कैंसिल हो जाता है। तो फरीदाबाद में लोगों ने बहुत सुना होगा कि भाई गर्मी लगती है तो वो एटीएम चले जाओ। हम एटीएम में सीरियस में आ गए क्योंकि हमारी हरकतें ही ऐसी हैं, क्या करें। तो ये देख अब क्या कर रहा है, ये देखो गेम कितना पट 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 उंगलियां चल रही है इसकी, ये समझ रहा है। और पहले टेकन वाली मशीन नहीं आती थी, वो 1 रुपए का सिक्का डालो टक 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 गेम खेलो, ये वही समझ रहा है इसे। चलो भाई थोड़ी देर हवा खाते हैं फिर मिलते हैं बाहर। तो गाइस कैमरा क्वालिटी थोड़ी ख़राब आ रही होगी यार, पता नहीं क्यों यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लाइटिंग नहीं है शायद इस वजह से कैमरा क्वालिटी ख़राब है। बट अभी फ़िलहाल मैं रखा था विक्रांत के काम से, वो ऊपर ऑफिस गया हुआ है तो मैं नीचे यहाँ पे खड़ा हुआ। तो मैं इस जगह सीढ़ी बनी हुई है तो मैं तो अपनी बाइक पर बैठ के वेट कर रहा हूँ। भाई मैं देखता हूँ 7th क्लास के 4-5 लौंडे भाई फ़ोन वोन करके प्लानिंग कर रहे हैं, आप बुला लो इसे मारने जाना है। हंसी तो मेरे को उनमें जब आती है, एक छोटा सा लड़का भाई अभी लड़ाई नहीं कर रहे, अभी मार के आऊँ किसी को। अब मैं अभी देख रहा, मैंने कहा ठीक है यार मैं क्या ही बोलूँ किसी ने फालतू क्या ही बोलना। बट उन्हें देख के यार आ तो पूरी हसीरी थी भाई, लिटरली बता रहा हूँ। साइकिल में बैठ के, दो साइकिल में, एक पीछे खड़े होके एक बैठ के, दो साइकिल में 4 लड़के गए हैं लड़ाई करने। मैंने कहा वाह बेटे तुम बनोगे बदमाश। सही है वैसे, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए बट सही है, अपना अपना टाइम होता है, एज होता है, कर रहे हैं इसके साथ करना, तो हम क्या कर सकते हैं। देखो जस्ट वॉच एंड इन्जॉय। कितना मतलबी आदमी है ये साला, यहाँ पे मेरे से नेटफ्लिक्स का पासवर्ड लेना है। जैसे ही नेटफ्लिक्स का पासवर्ड मिल गया बंदे को, कह रहा मैं घर जा रहा हूँ।
जाना पड़ेगा ना भाई, मतलब इतने मतलब ही कैसे हो सकते हो तुम? इमरजेंसी होती है, घर से फोन आते हैं, इनके लिए आया मैं। इनके लिए आया कि नेटफ्लिक्स के पासवर्ड के लिए आया? सच बताइए, सच बताओ, सच बता, नेटफ्लिक्स के पासवर्ड के लिए आया, मान लिया आया? मैंने भाई सबसे पहले सुबह से बोला मुझे पासवर्ड चाहिए, तो आया किसी लिए तू? और आते ही क्या कह रहा, मैं जा रहा हूँ घर। अरे इतने गंदे आदमी। तो गाइस अगर तुम्हारे भी कुछ ऐसे दोस्त है तो उन कमीनों को टैग करो और उन्हें नेटफ्लिक्स का पासवर्ड मत देना। मैंने तो देखे गलती कर दी है, पर तुम मत करना है गलती भाई। पहली बात तो इस बंदे से बोलो पहले नहा धो के तब जाके वीडियो दिया करे, ऑन द स्पॉट ले लेता बंदा। तो गाइस ये बंगाली मच्छी है, बंगाली लोग नहाते नहीं है ना यार, ये बंगाली लोग ये सोचते हैं हम मछली खा के साफ हो जाएंगे। सुबह नहाने के बाद शाम को शक्ल कैसी आती है सबको पता है भाई। शाम को नहाना चाहिए, इसलिए हम तो शाम को ही नहाते हैं। अरे मैं सुबह भी नहाता हूँ, शाम को भी नहाता हूँ, जब भी तो ऐसे टाइम अलग नहाता, फिर भी कह रहा है कि मैं नहाता नहीं, मतलब नहाने में नहाता हूं मैं। एक ये देखो विक्रांत भाई, उतरी आंखें लाल, कुत्ते की चमकती मेरी ऐसे। गाइस मेरा नहाने का टाइम टेबल सुन लो, सुबह 12 बजे उठता हूं, 2 बजे नहाता हूँ। अब क्या करेंगे हम तेरे को नहाते, क्या करेंगे जान के नहाता हुआ देख के। 3 बजे ये डेडिकेशन होनी चाहिए ना नहाने की इस गर्मी में, सुबह 3 बजे क्योंकि मैं सोता 4 बजे ना। अरे वो छोड़, तुम्हें भी पता है, एक सलाह देता हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड की आईडी और नेटफ्लिक्स का पासवर्ड किसी दोस्त को या दुश्मन को नहीं देनी चाहिए, किसी को भी नहीं देना चाहिए भाई, बहुत जल्दी बढ़ जाती है। बुद्धू हो या मुद्दी हो किसी को मत दो, गलती कर दी भाई, लिटरली बता रहा हूँ, कसम खा के बोल रहा हूँ। विक्रांत बताइए जरा कितनी बड़ी गलती कर दी हमने, इसकी स्कूटी में हम 3 बंदे बैठ गए, ये बंदा पागल कर दिया इसने मेरे को। कभी कह रहा है तू पैर इधर रख, तू ऊपर रख, तू इधर रख, तू इधर, भाई स्कूटी नहीं चला रहा। हम 28 से ना डिस्कवर पे, वो हाँ डिस्कवर नहीं थी वो क्या है यार, उसमें 5 बंदे एक बाइक में 5 बंदे बैठ के जा रहे हैं। जो चलाने वाला उसकी जगह वहां रख दिया, यहाँ मत रख, एक इधर रख, एक पीछे रख, मतलब भाई कैसे कर लेते हो तुम ये पागल। कैसे रख देते पैर? अब तो पैर लटकाने से कहीं 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 टकरा जाएंगे, लग जाए फिर बूटी में कुछ कट वट लग जाए पैर का, है ना भाई। तुमने चीज देखी है, तुम्हारे साथ हुआ कोई पैर नीचे फंसा है? हाँ फंसा है। ये मत कर यार, मत कर, रुपए सवारी है। अरे ये सीधा 1 मिलियन 2 मिलियन पहुंचाती है। डायमंड प्ले बटन पे जाना है मैंने, वो आपके बजट के बाहर है। सही है भाई, सही है। तो भाई अभी जस्ट बताऊँ, मोमोज आ रखे थे पर मेरा घर आने में लेट हो गया, रात के बजे 10 मेरे मोमोज खाने वाले। वो मैं आप सच बात बताती हूँ, हमने आधा घंटा वेट किया, फिर मैंने अंशु को पूछा अंशु अगर हम खा लेंगे तो क्या ये बेमानी होगी, तो उसने कहा नहीं मम्मी बेमानी नहीं होगी। मैंने कहा चले काम करते हैं, आधा घंटा हो चुका, आधा घंटा वेट कर चुका, तो इसको हमने मोमोज को पैकेट, अंशु ने पैकेट खोल लिया। फिर मेरे को मन में थोड़ा सा चल एक काम अगर इसको फोन मिला और इसको पूछो खाएगा कि नहीं खाएगा, फिर वो किलस जाएगा और किलस के कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं खा रहा। अरे इतने में ये आ गया और हमारा मोमोज रह गया। ये अगर अलाउ करेगा, देखो आप लोग हो तो ये मुझे खाने दे सकते, मैं क्या खा लूँ? एक खा लूँ तो ऐसा नहीं कर सकता, देखो मैं खा रही हूँ, ये मना नहीं करेगा अभी मुझे। भाई ये वीडियो ऑन करने का भाई छोटा भाई नहीं हो गया यार, एक भाई छोटा भाई देखो कैसा भाई, मैं भी तो यार मैं छोटा भाई नहीं। कांग्रेस को वोट देते हो बिहार में? हम सबको लालटेन को वोट दे रहे हैं। लालटेन को कांग्रेस दारू पिलाती है बिहार में? कांग्रेस दारू पिलाती है बिहार में? दारू तो हम पीते नहीं है बिहार से, किसी को भी नहीं पिलाती। अबे यार फिर तो बेकार बात है, दारू पिलाए जब तो तुम वोट दो क्यों? कुछ नहीं भाई, आइसक्रीम वाला था रात को भी, आइसक्रीम ले गया ना, तो वही बता रहा था कांग्रेस को वोट देता हूँ मैं, दारू पिलाती है जब, वो भी मैं बाहर हूँ तो अभी कांग्रेस को देता हूँ, यहाँ पे नहीं देता, गांव में देता हूँ बिहार में। सही है भाई,